धर्मी बंदे च दूसरा गुण होंदा हिंसा नहीं करनी उन्हें। हिंसा तो हमेशा गुरेज करना, एक तो उन्हें दुष्टां नाल जंग करने वो अलग चीज है। देखो मैं प्रमाण देवां, टाइम का नहीं मैनूं पता, उन्ना कु मैनूं दस दिओ किन्ने कुछ हटना। तो प्रमाण देखो, हिंसा की गल चली, छेवें पातशाह ने पहले जंग 7,000, दूसरे 14, तीजे 35,000, चौथे जंग लख दे करीब तुरकां नूं मारिया। उही छेवें पातशाह करतारपुर साहब लंगर वल तुरे जांदे ने, एक कां दी लत टुटी लंगड़ी, लंगड़ा होया कां, एक लत ते छाल मार के जा। सुभाविक कहिंदे जिहने इहदी लत तोड़ी उह नरकां नूं जाऊगा। 1,57,000 तुरकां नूं समाप्त करके शाम नूं रह रास पढ़न वाले थड़ा बना के कां दी लत नहीं जर सके टुटी हुई, क्योंकि हिंसा है। जे सकता सकते कौ मारे तां मन रोस ना होई, बराबर दे ना बराबर दा लड़े, कहिंदे सूरमे ना सूरमा लड़दा ही हुंदा। पर एक बेजबान जानवर उत्ते सतगुरु नहीं जरदे इह गल। दसवें पातशाह महिलां नूं तुरे जांदे ने दुपहर दे समय, एक साइड ते कूकर सुत्ता पिया, एक सिख ने सोटी मारी सुते पए कुत्ते दे, चौं चौं उची उची कीती, महाराज रुक गए पिछे नूं मुड़ के देखण, हाँ भाई सोटी किहने मारी है। पहलां तां डरदे ही बहुत सी महाराज तों, डरदे ही नहीं बोलदा। हाँ जी दोबारा पुछदे आ, इधर आ भाई सोटी क्यों मारी है, तैनू उहने वढ़िया सी कुछ कहा सी? कहिंदे नहीं महाराज। क्यों सोटी मारी आ? हाथ विच सोटी बन के तू जुलमी बन गया, जी दया प्रवान नहीं तू पढ़िया बाणी च? वह दरवेश ने सारी रात पहरा दिता, हुण दिने उह सुता, तू सारी रात जागदा कदे? महाराज ने भाई नंद लाल नूं कहा, नंद लाल सिंह जी नवा पूरा भाई नंद लाल सिंह, बिना कारण किसी जीव नूं कोई सिख सतावे तो 25 जपजी साहब करे। देखो बिना कारण तो किया, जपजी साहब की तनखाह लाई 25, कां की लत टुटी तो कहने नरकों जाऊगा सिख, जिन्हें भी फिर बख्शा लिया पर बाद चोने भाई विधि चंद राही। कहण तो भाव के महाराज सच्चे पातशाह, आपां कहने महाराज तो इन्ने जंग किए ठीक है किए आ, पर गुरु साहब ने कबीर जोर किया, सो जुलम है ले जवाब खुदाए, जो सब में एक खुदाए कहत हो तौ क्यों मुर्गी मार। नाले जी ये रब है, नाले मारदा। इस करके महाराज ने कहा हिंसा नहीं करनी, कि जुल्म नहीं करना, किस ते दया करनी धर्मी बंदे का काम हुंदा। खिमा हिंसा दया मृद, मृद हुंदा कोमल बोलना, कोमलता वाला सुभा होना, कठोर ना बोलना, सत बचन कहना, सत बचन कह के गल करनी। अज के युग च मैं दिखाओ तो सत बचन कौन कहता? जेड़ा सिख सत बचन कहना सिख जो कामयाब हो जाता। बाबा लहणा जी सत बचन ही करते रहे सारी जिंदगी, सत सत है महाराज, जा बई इन्ना इन्ना पानी आ गया, लंगर है नहीं, किक्कर ते चढ़ के झाड़ दे। बाबा श्री चंद जी कह लगे जो उन्होंने कहा, कहते ये तो कितों मठियाइया डिगदी किक्कर, जिमें अज दे फिरदे ना कहते लोग। बाबा लक्ष्मी दास जी ने भी कहता, पिता जी ये कितों मठियाइया डिगदी। बाबा लहणा जी ने इशारा है, चढ़ गए टाणियां हिलातियां, ढेर लग गए मठियाइया दे, संगतां छक रही कहने बस करो। एक हुंदी बुद्धि दी गल, जेड़ा बुद्धि वरतदा वो कहिंदा ले नाल की होना। खालसा जी बुद्धि ना वरतो, आपां तां सत बचन दे अधिकारी हाँ,
जिदे अंदर सीखी है संस्कार ने उन्हें कदे किंतु नहीं करना, वो नहीं करता, हिम्मत ही नहीं बोलन दी, चुप करके हाथ जोड़े सत बचन जी, बस गाल ही गल नहीं करनी। जेड़े लोग बुद्धि की वरतों करते ने, अपनी सियाणप दिखाते ने, वह सिखी च कामयाब नहीं होंदे। बुद्धि तो तां वरती जे साढ़े गुरु की बुद्धि थोड़ी होवे। ये तो मालक ने विवेक बुद्ध सतगुर ते पाई, विवेक बुद्धि है सतगुरां पास, साढ़े कोल तां एक ममूली जी बुद्धि है ना, इस करके आपां अपनी बुद्धि की वरतों ना करिए। बहुत गल्लां दा आपां नूं नहीं पता, इत्थे रह के संगत ने कनेडा अमरीका इंग्लैंड यूरोप दे विच आस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड हॉलैंड जिहड़ा हांगकांग है मलेशिया सिंगापुर है होर थावां ते संगत ने सीढ़ियाँ सुनिया ने, कई थाई दास हले तक नहीं भी गया, सीढ़ी सुन के अमर छकन का ज्ञान होया, अमर छकिया दाढ़ी केस रखे ने, पर फिर भी तुसी चाहुंदे हो कि नहीं असी एक बार तैनू लाइव सुनना, सामने बैठ के सुनना। मैं भी चाहुंदा कि बुनियादी चीज़ां हले थानू बहुत सारियां नहीं पता है। अमर छक लेना बाणा पा लेना एक अलग गल है, एक महापुरखा नाल रह के जिहड़ा जीवन बतीत करना है, जिवें साढ़े हुण बहुत सारे मेरे छोटे वीर टकसाल जो पढ़े ने बाद च भी पढ़े ने, सो महापुरखां दी संगत नहीं होई पूरी तरह, हले उन्हां विच भी बहुत कमियां ने, उन्हां नूं भी बहुत गल्लां दा ज्ञान नहीं। एक दूसरी चीज़ यह है, तुसीं दसां गुरां दी कथा हले तक बहुतियां ने सुनी नहीं है, उहदे करके बहुत घाटा पै रिहा सारियां नूं। ज्यौण दा तरीका नहीं कि किस ढंग नाल उह दस सरूप करदे सी किरिया, उदों सिंघ इक दूजे नूं किन्ना प्यार करदे सी, जां सिंघां दे मन दे अंदर किन्ना सत्कार सी, हौमे तो रहत सी, लालची नहीं सी हुंदे, संतोखी हुंदे सी, शुभ गुणा की प्राप्ति सानू इतिहास तो प्राप्त हुंदी। बुनियादी चीज़ां जिहड़ियां साडियां ने उहनां दा सानू पूरी तरह ज्ञान नहीं है। जिवें मान लो पे आपां ककार ही पहन ले, ककार पहन लेना होर चीज़ है, ककारां नूं जाण लेना एक वक्खरी चीज़ है, ककारां दा ज्ञान नहीं आपां नूं की ने, की चीज़ ककार ने, क्यों पाए ने, साइंटिफिक ढंग नाल हुण एक साइंस वालिया दी साइट आ, उहदे ते केसां दे उत्ते ही काफ़ी रिसर्च कीती है, मैनूं उह साइट दा नाम भुल गया, उन्होंने केसां दे उत्ते यूएसए वालिया ने पूरी रिसर्च करके दस्सिया केस की चीज़ है, ये की काम करते हैं, क्यों परमात्मा ने केस साढ़े लाए ने, नहीं तो केसा तो बिना भी हो सकता ही मनुख। कंगे की जिहड़ी फिलोसफी है ये बारे नहीं नॉलेज है, कृपान की बख्शिश करती है, कछहरा क्यों पाया, कड़ा क्यों पाया, नितनेम पंज बाणियां दा ही क्यों है, फिर कुरैतां तो बचना क्यों है, ये सारिया चीज़ों के मूल तक नहीं आप गए हैं, पर फिर भी आप विचार कथा विचों सुन सुन के उन्होंने मूल तक जाना। इस करके गुरबाणी की कथा ता करनी पई सारी कि गुरबाणी अंदर महाराज ने, जिमें मैं एक प्रमाण दिना, बाबा मगर सिंह जी रामगढ़ वाले की साखी सुनाई भी हुई है, उन्होंने रामगढ़ कथा की, बड़ा व्डा कट सी, वह कहते जी एक चीज़ आसमान विच नहीं है, एक चीज़ धरती ते नहीं है, एक चीज़ गुरु ग्रंथ साहिब दे विच नहीं है। बड़े मुंडे खड़े नौजवान हो गए जी, बाबा जी तुसीं तां गुरु ग्रंथ साहिब दी बेदबी करती, गुरु ग्रंथ साहिब तां सारा कुछ लिखा होया, किहड़ी चीज़ जिहड़ी नहीं है? कहिंदे भाई गर्म ना होवो, बहि जाओ दसदा तुहानूं। कहने आसमान विच कोई दरख्त है धरती वाला? कहने जी नहीं। कहने धरती दे उत्ते कोई तारा नज़र आउंदा आसमान वाला? कहने नहीं। कहने एक ओंकार तो 18, 10, 20 तक गुरु ग्रंथ साहिब जी किते झूठ नज़र आउंदा? कहने नहीं जी। कहने बस मैं यही कहा, जे गुरु ग्रंथ साहिब च नहीं है तो एक झूठ नहीं है, सच ही सच है,
ਉੱਥੇ ਸੱਚੇ ਹੀ ਸੱਚ ਨਿਬੜਾ ਚੁਣ ਵੱਖ ਕੱਢੇ ਜਜਮਾਲਿਆ ਥਾਉ ਨਾ ਪਾਇਨ ਕੂੜਿਆਰ ਮੂੰਹ ਕਾਲਾ ਦੋਜਕ ਚਾਲਿਆ ਤੇਰਾ ਨਾਂ ਰੱਤੇ ਸੇ ਜਿਣ ਗਏ ਹਾਰ ਗਏ ਸੇ ਠੱਗਣ ਵਾਲਿਆ ਲਿਖ ਨਾਵੈ ਧਰਮ ਬਹਾਲਿਆ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰ ਪੀਰ ਹਾਮਾ ਤਾਂ ਭਰੇ ਜਾਂ ਮੁਰਦਾਰ ਨਾ ਖਾਏ ਹੱਕ ਪਰਾਇਆ ਨਾਨਕਾ ਉਸ ਸੂਅਰ ਉਸ ਗਾਏ। ਪਰਾਇਆ ਹੱਕ ਖਾਣਾ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨੂੰ ਸੂਰ ਖਾਣ ਦੇ ਤੁਲ ਦੱਸਿਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹੁਣ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਾਰੇ ਹੀ ਆ ਗਏ ਗਾਂ ਖਾਣ ਦੇ ਤੁਲ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਿੰਦੂ ਗਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੂਜਾ ਕਰਨੇ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਹਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਬਚਨ ਕੀਤਾ, ਗੁਰੂ ਪੀਰ ਸਾਡੀ ਹਾਮਾ ਭਰਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਸਾਡੇ 'ਚੋਂ ਮੰਨ ਲਓ ਬੇਅੰਮ੍ਰਿਤੀਆ ਹੈ ਪਰ ਸ਼ਰਧਾ ਸਾਰੀ ਆ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ, ਪਰ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਆਪਾਂ ਨੇ ਜੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕ ਲਿਆ ਗਾਤਰਾ ਕਿਰਪਾਨ ਹੈ ਨਿਤਨੇਮੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਸਿੰਘ ਹੈ ਗੁਰੂ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਪਰ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਆਇਆ ਨਹੀਂ ਹਲੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਿਆ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਗੁਰੂ ਵਾਲਾ ਕਹਿ ਕੇ ਨਹੀਂ ਬੁਲਾ ਸਕਦੇ। ਜੇ ਇੱਥੇ ਗੁਰੂ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਉਹ ਤਾਂ ਪ੍ਰਲੋਕ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਗੁਰੂ ਵਾਲਾ ਹੋ ਗਿਆ? ਉਹ ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ ਉਹ ਮੰਨਦਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ। ਇੱਕ ਬਾਬਾ ਹਰੀ ਕਮਲ ਜੀ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹ ਕਥਾ ਕਰਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਕੋ ਤੋਂ ਮਾਨਤਾ ਹੂੰ ਪਰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਨਹੀਂ ਮਾਨਤਾ, ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ ਉਹਦਾ ਮੰਨਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮੰਨੀ ਜਾਈਏ ਮੰਨੀ ਮੈਂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਮੰਨਦਾ ਕੀ ਮੰਨਦਾ, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਚਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਮੰਨਦੇ ਹੋਏ।